हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल काजल की रसोई में। आज हम लौकी की सब्जी बनाएंगे। लौकी की सब्जी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है, खाने में बहुत हल्की होती है और इसे पचाना भी बहुत आसान होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लौकी की सब्जी की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ली है लौकी 500 ग्राम, जिसे हमने धोकर छीलकर काट लिया है और उसे पानी में रखा हुआ है क्योंकि लौकी जल्दी काली हो जाती है। प्याज 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 3 जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है, हरा धनिया 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, कुछ मसाले लिए हैं, जीरा 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 पिंच, तेल 2 टेबलस्पून। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लौकी की सब्जी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, जीरे को हम भून लेंगे। हमारा जीरा भून गया है, अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, इसे भी हम भून लेंगे। अब मैं इसमें ग्रेटेड अदरक डाल रही हूँ और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हमारे प्याज भून गए हैं, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ, इसे हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। हमारे टमाटर पक गए हैं, इसमें से तेल अलग हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और धनिया पाउडर डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। अब मैं इसमें लौकी डाल रही हूँ, इसे हम 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ पका लेंगे। अब हम लौकी में पानी डाल देंगे। इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी इसलिए कम डाला जाता है क्योंकि लौकी अपना पानी छोड़ती है। अब हम कुकर बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद मैंने ढक्कन खोल लिया है। देखिए हमारी कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको सब्जी सर्व करके दिखाती हूँ। हमारी बहुत ही टेस्टी लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसे हरे धनिया के साथ गार्निश किया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ।